हेलो फ्रेंड्स, चेहरे के उत्ते वड्डे वड्डे तिल या मस्से कई बार बहुत परेशान करते हैं और काफ़ी बारी असी कोई बाल बन दिंदा है, कोई धागा बन दिंदा है या कोई वारी चूना लगाने की सलाह दी जाती है, पर उन्दे नाल एक बहुत वड्डा डिसएडवांटेज हुंदा है चूना वगैरह लगाने नाल। उन्दे नाल असी ये नहीं कर सकते कि डेप्थ इस चूने नूं नहीं दस सकते भी कि डूंगा जाना है, कई बार उत्थे खड्डा पै जांदा है और वह निशान सारी उम्र वास्ते तुहाडा होर भी भद्दा बन जाता है। और इन्हें तो बड़ा सौखा जहा इलाज हैगा, तुसी किसी भी डॉक्टर को जाके या साडे वाले स्किन वाले डॉक्टर को जाके इन्हां कोल स्पैशल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे है, स्पैशल लेजरस होंगे हैं और उन्दे नाल 5 मिनट के बिना निशान छड़े उस तिल या मस्से नूं असी कढ़ा सकते हैं। खर्चा भी 1000-2000 रुपये प्रति मस्सा आ सकता है, डिपेंड करता है कि उनकी जड़ कितनी कि डूंगी है। जी जड़ ज़्यादा डूंगी हो तो वह सानू 2 बारी करना पै सकता है, वह भी असी इस करके थोड़ा जा ऊना रखते हैं ताकि चेहरे के उत्ते कोई निशान ना पवे, अदरवाइज एक बार च भी साफ किया जा सकता है। और जे तुहानू इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो सानू आके मिल सकते हो, साडा पता है कायाकल्प लेजर क्लीनिक बठिंडा रोड श्री मुक्तसर साहब पंजाब। धन्यवाद। ठीक है सर। ठीक, जिवें कि तुसी देख रहे हो बड़ी ही आसानी दे नाल असी इनू बर्न आउट कर देना है और इहदी जड़ समेत असी कढ देना इनू ताकि ये दोबारा आपां नूं परेशानी ना आवे। धुआं निकलदा देख सकते हो पर नाल दी नाल मरीज भी कंफर्टेबल है। क्यों सर, कंफर्टेबल हो तुसी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, मरीज भी कंफर्टेबल, पेन नहीं इहदे च हुंदा। इस प्रोसीजर की यह खासियत है कि देखण च भावें डरावना जिहा लगदा तुहानूं बट इहदे विच कोई पेन वगैरह नहीं हुंदा और ये जड़ों ही खत्म हो जाता है। तो ब्लीडिंग हो रही है तुहाडे सामने ही है कि ना कोई ब्लीडिंग हो रही है और ना ही कोई जख्म हो रहा है। सो साडा प्रोसीजर तकरीबन कंप्लीट है। जिहड़ा काला जिहा निशान तुसीं देख रहे हो खरिंड बन गया, एक दो दिन च अपने आप उतर जाएगा। धन्यवाद।